गाइज आयरन मैन एक ऐसा कैरेक्टर जिसके सिर्फ यूएसए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ढेर सारे फैंस हैं। ऐसे में बहुत से आयरन मैन से रिलेटेड गैजेट्स मार्केट में आते रहते हैं जो मैं आपको अक्सर दिखाता भी रहता हूं। तो आज भी बैठ जाइए दिल को थाम कर क्योंकि आज आप देखेंगे एक ऐसा ड्रोन जो कि बना है आयरन मैन की थीम पर। सीरियसली गाइस आज की वीडियो तो वाकई में बहुत मजेदार होने वाली है, तो वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप तो मत कीजिएगा वरना आप कोई ना कोई गैजेट कर देंगे मिस। इस आयरन मैन ड्रोन के अलावा भी बहुत से मजेदार और काम के गैजेट्स आएंगे आपसे मिलने, और इन सारे गैजेट्स को परचेज करने के लिए इनकी लिंक्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। तो वीडियो को कर दो अभी से लाइक और चैनल को करके सब्सक्राइब जोर से मारो बेल आइकन पर, और हम शुरू करते हैं अपने इस अमेजिंग सफर को। तो गाइस शुरुआत करेंगे Xiaomi पोर्टेबल सेल्फी कैमरा से। गाइस आजकल सेल्फी का शौकीन कौन नहीं है, शायद ही कोई ऐसा हो। लोग तो ऐसे अजीब अजीब से पोजेस में सेल्फी लेते हैं कि पूछो मत, मतलब उनके पोज हमारी सोच और समझ के परे होते हैं। खैर गाइस तो अगर आप शौकीन हैं सेल्फी लेने के तो हाई क्वालिटी और परफेक्ट सेल्फीज को एक रिलायबल तरीके से क्लिक करने के लिए आप यूज कर सकते हैं इस पोर्टेबल सेल्फी कैमरा को। अब क्वेश्चन उठेगा कि इसकी जरूरत ही क्या है, क्योंकि सेल्फी तो सिंपली हम अपने स्मार्टफोन से ले ही सकते हैं। तो बात सही है, बट इस कैमरा को आप लिटरली किसी भी सरफेस पर स्टिक करके अपनी परफेक्ट सेल्फीज निकाल सकते हो। स्मार्टफोन तो थोड़ा बहुत हिलता है सेल्फी लेते वक्त, साथ ही डिस्टेंस लिमिटेशंस भी होती हैं, लेकिन ये कैमरा रहता है बिल्कुल स्टेबल। और खासकर यहाँ पर बात करें ग्रुप सेल्फीज की, तो उसमें हर कोई आना तो चाहता है लेकिन साइड वालों की अक्सर बेइज्जती की जाती है, तो ग्रुप सेल्फीज लेने के लिए तो इससे अच्छा गैजेट हो ही नहीं सकता। जब भी आपको नॉर्मल या फिर ग्रुप सेल्फी लेनी हो, इसे सिंपली स्टिक कर दीजिए आसपास की किसी भी दीवार पर और सेट कर दीजिए टाइमर, और ये कैमरा आपकी बहुत ही प्यारी प्यारी सेल्फीज क्लिक कर देगा। साइज इसका काफी छोटा होता है तो आप इसे बहुत आसानी से अपनी पॉकेट वगैरह में कैरी कर सकते हैं कहीं पर भी अपने साथ। और गाइज ये है एक डेडिकेटेड डिवाइस सिर्फ और सिर्फ सेल्फीज के लिए, तो जाहिर सी बात है फोन से क्लिक होने वाली नॉर्मल सेल्फीज को तो ये बीट कर ही देगा। तो अगर आप अपनी सेल्फीज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं इस कमाल के गैजेट को। अब देख लेते हैं क्यू मैन को। गाइस ऑफिस से लेकर स्टडी रूम और स्टडी टेबल पर आजकल टीनेजर से लेकर बड़ी एज के लोगों को करना पड़ता है बहुत सारा पेपर वर्क, जिसके चलते गाइस हम यूज करते आए हैं पेपर वेट जैसे प्रोडक्ट्स का। बट अब उससे बेहतर ऑप्शन है ये क्यू मैन। ये ह्यूमन बॉडी के शेप में बने हुए छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बने होते हैं रबर से और नेचर में काफी सेटिस्फाइंग होते हैं, और इनके हाथों और पैरों की टिप्स पर लगे होते हैं काफी पावरफुल मैग्नेट्स, जिससे आप बहुत सारे पेपर्स को इनकी मदद से किसी आयरन सरफेस पर स्टिक कर सकते हैं। ऑफिस से लेकर पढ़ाई के समय भी बहुत से नोट्स और दूसरी शीट्स रहती हैं, जिससे काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ऊपर से डेट शीट सिलेबस के पेपर्स हम अलग से रखते हैं जिन्हें बार बार जरूरत पड़ने पर हमें ढूंढना पड़ता है। तो ऐसे में इस प्रोडक्ट की मदद से एक क्रिएटिव तरीके से आप अपने सारे पेपर्स को बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज करके एक प्रॉपर वे में रख सकते हैं। इसके अलावा अगर इस पेपर्स को होल्ड करने के साथ साथ आप इन्हें चिपका कर एज अ पेन होल्डर और भी दूसरी चीजों को होल्ड करने के लिए यूज कर सकते हैं। यानी पॉसिबिलिटीज तो बहुत हैं इस प्रोडक्ट को लेकर। तो अब कर ले बात इनके प्राइस की, तो इन्हें आप 100 रुपीज के आस पास अली एक्सप्रेस से परचेज कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब गाइस आ जाता है गेमर्स के लिए एक बहुत ही खास गैजेट, यानी कि प्रो स्टीयर। गाइस पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी और फ्री फायर गेमर्स से लेकर रेसिंग गेमर्स तक के लिए एक बहुत ही काम का गैजेट है ये प्रो स्टीयर। ये बेसिकली एक फिजिकल स्टीयरिंग होता है जिसे आप एक रियल स्टीयरिंग की तरह यूज करके अपने गेम में अपनी कार या फिर बाइक को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ ही साथ पबजी या COD और मुफ्त की आग जैसे गेम्स में भी इसे बहुत आसानी से यूज करके अपने गेम प्ले को काफी ज्यादा एनहेंस कर सकते हो। इसमें आपको जॉयस्टिक से लेकर ट्रिगर्स मिल जाएंगे जो काम आएंगे आपके पबजी और फ्री फायर और भी दूसरे शूटिंग गेम्स में। वहीं गाइस बात करें कनेक्टिविटी की, तो इस कंट्रोलर को आप कनेक्ट कर पाएंगे ब्लूटूथ की हेल्प से। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये होता है कि इससे गेम्स खेलने में आपको बहुत ज्यादा आसानी तो होगी ही, साथ ही गाइस आपका गेमिंग एक्सपीरियंस पहले से बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक भी हो जाएगा, और रेसिंग गेम्स पसंद करने वालों को तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है इस गैजेट से। तो ओवरऑल अगर आप आते हैं गेमर प्रजाति के लोगों में तो हो जाता है ये गैजेट आपके बहुत ही काम का, फिर चाहे आप फोर्टनाइट खेलते हो या पबजी, फ्री फायर या फिर COD। अपना फेवरेट गेम कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अब गाइस आप लोगों में जितनों को भी स्केटिंग पसंद हो सब अपने हाथ ऊपर करो, अब नीचे कर लो। आपके लिए है एक खास गैजेट, ये है स्टेयर रोवर। अपने आप में पहला ऐसा स्केट जिसे आप स्टेयर्स पर चला सकते हो। सही सुना गाइस आपने, नॉर्मल स्केट्स चलते हैं प्लेन रोड पर, वहीं ये स्केट चलता है स्टेयर्स पर,
वो भी बहुत स्मूथली और बिना किसी प्रॉब्लम के। और ऐसा ये कर कैसे लेता है? तो गाइज इसका रीजन छिपा हुआ है इसकी बनावट में। नॉर्मल स्केट्स में आपको मिलेंगे सिर्फ 4 व्हील्स, वहीं स्टेयर रोवर में आपको मिल जाएंगे दोगुने यानी कि 8 एडजस्टेबल व्हील्स। एडजस्टेबल इसलिए ताकि स्टेयर्स पर से उतरते वक्त ये व्हील्स अपनी पोजीशन पर एडजस्ट होकर एक काफी स्टेबल स्केटिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देते हैं। अब अगर ये एडजस्टेबल ना होकर फिक्स हो जाए तो स्टेयर पर स्केटिंग कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा भी गाइज इसमें नंबर ऑफ व्हील्स नॉर्मल स्केट्स के सीधे सीधे 2 टाइम्स हैं। तो गाइज आपको इसमें काफी अच्छी खासी स्मूथनेस और स्पीड भी देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल अगर आपको स्केटिंग पसंद है और उसमें भी आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो आपको ये स्केट्स बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। जीसू लाइफ यूएसबी क्लिप फैन। गाइस बात करें फैंस की तो नॉर्मल टेबल फैंस सभी के यहाँ होंगे, बट ये फैन उनसे काफी अलग है, जिसे आप अपने साथ कहीं पर भी ले जा सकते हैं और किसी भी लगभग किसी भी पोजीशन में और एंगल पर इसे इसकी क्लिप की मदद से सेट करके इसे यूज कर सकते हैं। इसे आप घर से लेकर ऑफिस और आउटडोर भी बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। वैसे भी गाइस गर्मियों में ये हाल होता है कि हम फैन के सामने से हटे नहीं कि बहुत ज्यादा गर्मी हमें लगने लगती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हर जगह अपने साथ किसी फैन को ले जा पाना पॉसिबल है? तो इस क्लिप फैन के साथ ये पॉसिबल है। इसकी क्लिप भी काफी बड़े साइज की होती है तो आप इसे काफी ब्रॉड सर्फेसेस पर भी बहुत आसानी से अटैच कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसे एक नॉर्मल टेबल फैन की तरह भी यूज कर सकते हो। तो गाइस समर्स में ये गैजेट आपके बहुत ज्यादा काम तो आ ही जाएगा। अब गाइस बात कर लें इसके प्राइस की, तो इसे भी आप सिर्फ 1000 रुपीज में डिस्क्रिप्शन की लिंक से परचेज कर सकते हो। अब गाइस आपको मिलवाता हूं एक बहुत ही क्यूट गैजेट से, ये है लुआ और लगती है पेड़ पौधों की बुआ। वैसे गाइस बात करें कि ये एक्चुअल में क्या है और क्या करता है, तो गाइस ये होता है एक स्मार्ट प्लांटर, अपनी तरह का पहला और काफी खास गैजेट। नॉर्मल गमले की जगह इस प्लांटर में आपको एक स्क्रीन देखने को मिल जाएगी जो आपको पौधों में पानी डालने की याद दिलाती रहेगी अपने फेशियल एक्सप्रेशन से। गाइस इसके फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही कमाल के और फनी होते हैं। साथ ही इसे कंट्रोल करने के लिए आपको एक मोबाइल ऐप भी मिल जाएगा। जब भी आप पौधों में पानी नहीं डालेंगे या फिर पानी डालना भूल जाएंगे तो इसका चेहरा उतर जाएगा, जैसे इसे काफी देर से खाना ना मिला हो, और फिर जैसे ही आप पानी डाल देंगे ये वापस से खुश हो जाएगा। हालांकि गाइस इसमें बहुत बड़े प्लांट्स को नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इसका साइज खुद ही काफी कॉम्पैक्ट होता है। स्टिल ये वाकई में बहुत ही मजेदार और यूनिक गैजेट है, तो आपको इससे मिलवाना तो बनता है, और नॉर्मल साइज के प्लांट्स के लिए भी ये एकदम परफेक्ट होता है। और शॉर्ट में कहा जाए तो ये एक ऐसा गमला है जिसमें फीलिंग्स होती हैं। तो गाइस अब होता है आपका इंतजार खत्म और आपसे मिलने आ गया है टेलो आयरन मैन ड्रोन। तो यार सबसे पहले तो बात करें इसके लुक्स और डिजाइन की, तो गाइस ये आपको मिलेगा आयरन मैन सूट के सिग्नेचर कलर्स में यानी कि शाइनी ब्राउन और गोल्डन येलो, और कुछ दूसरे शेड्स भी इसमें होते हैं, और बाकी इसमें आपको आर्क रिएक्टर और सूट से ही रिलेटेड दूसरे कस्टमाइजेशंस भी देखने को मिल जाएंगे। गाइस ये ड्रोन काफी पावरफुल होता है, नॉर्मली हवा में उड़ने के अलावा स्टंट्स भी कर सकता है। आगे की तरफ इसमें आपको मिल जाएगा एक हाई रिजोल्यूशन कैमरा जिससे आप फोटोज क्लिक करने के साथ साथ वीडियोस भी रिकॉर्ड कर पाएंगे। और बात करें आर्क रिएक्टर की तो वो आपको इसमें ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगा जो वाकई में इसके लुक्स को काफी चेंज कर देता है, और ये ड्रोन भी बहुत ही ज्यादा रिजेंबल करने लगता है आयरन मैन के सूट से। तो आयरन मैन और दूसरे सुपर हीरो फैंस के लिए ये है एक परफेक्ट गैजेट। और अब देख लेते हैं काफी काम का और यूनिक गैजेट यानी कि पावर वन, ये है क्या? तो ये है एक फोन केस, लेकिन आम फोन केसेस से बिल्कुल अलग। अब बात करें कि ये अलग कैसे है, तो गाइस फोन केसेस का काम होता है हमारे स्मार्टफोन को प्रोटेक्ट करना, लेकिन ये फोन केस इस काम को करने के साथ साथ एक और जरूरी काम कर देता है, और वो ये है कि अगर आप वायरलेस ईयरबड्स यूज करते हैं तो अपनी ईयरबड्स को इस फोन केस में डायरेक्ट स्टोर कर सकते हैं, यानी आपकी ईयरबड्स हमेशा आपके पास ही मौजूद रहेंगी। इसमें पीछे की तरफ एक ईयरबड्स होल्डर मौजूद होता है जिसमें आप अपने ईयरबड्स को सेफली स्टोर करके रख सकते हो, जिससे जब भी आपको जरूरत पड़े आपको अपनी ईयरबड्स ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। सिंपली इस फोन केस से ईयरबड्स को निकाल कर उन्हें आप यूज कर सकते हो, और यूज करने के बाद भी इधर उधर रखने की बजाय डायरेक्ट इस फोन केस में ही आप उन्हें रख भी सकते हो। वैसे गाइस ये तो है ईयरबड्स के लिए, लेकिन अगर आप सिंपल वायर वाली ईयरफोन्स यूज करते हो तो उन्हें भी रिलायबली कैरी करने के लिए केसेस अवेलेबल हैं, तो मैं उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उन्हें
परचेज कर सकते हैं, जिससे आपकी ईयरफोन्स हमेशा सेफ रहेंगी और टैंगल फ्री रहेंगी। और बात करें इनके प्राइस की, तो इन्हें आप सिर्फ 80 रुपीज के आस पास परचेज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन की लिंक से। तो गाइज अब है आपकी बारी वीडियो को लाइक करने की, तो वीडियो को करके लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशंस को सेट कर लीजिए ऑल पर। और गाइज हम मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ।